पत्रकार जेडे हत्याकांड में गिरफ्तार महिला पत्रकार जिग्ना वोरा को शुक्रवार को मुंबई की स्पेशल मकोका कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने जिग्ना वोरा को 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए कहा कि उसे हर 15 दिन में क्राइम ब्रांच में हाजिरी लगानी होगी। 25 नवंबर 2011 को जेडे हत्याकांड में गिरफ्तार जिग्ना की जमानत याचिका पर कई महीनों से सुनवाई हो रही थी, लेकिन शुक्रवार को अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को मंजूर कर लिया कि क्राइम ब्रांच जिग्ना वोरा के खिलाफ अब तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाया है और जिग्ना को जमानत दे दी जाए। 11 जून 2011 को मुंबई के पवई इलाके में छोटा राजन गैंग के 7 शूटरों ने पत्रकार जेडे की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। हत्या के करीब 5 महीने बाद क्राइम ब्रांच ने जिग्ना वोरा को गिरफ्तार किया था। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ कई बार आवाज भी उठाई गई। बॉम्बे हाई कोर्ट में जिग्ना की गिरफ्तारी के खिलाफ जनहित याचिका भी दायर की गई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। लेकिन अब बीजेपी जिग्ना वोरा के समर्थन में उतर आई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जिग्ना को इस मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है। बहुत साफ है कि जिग्ना वोरा को फंसाया गया है। आईपीएल की मैच फिक्सिंग की जानकारी डे साहब छापने वाले थे और वो ना छापी जाए इसलिए उनकी हत्या हुई। और जो पत्रकारों का आंदोलन जिस प्रकार ऐसे विषय में स्क्राइब की हत्या के बाद चलता है, वो आंदोलन और ना बढ़े और इसलिए इस प्रकार की लिपापोती सरकार ने की है। अगर आभास साफ है तो वो ये पूरी इंक्वायरी सीबीआई के पास सौंप दे।